आज हम लोग बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल कस्टर्ड टूटी फ्रूटी स्पॉन्जी केक। ये खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। बहुत कम टाइम पे आप इसे बना सकते हैं और घर पे सबको खिला सकते हैं। क्रिसमस में अब आपको बाहर से मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे ही इतना टेस्टी केक बना लेंगे कि सब लोग खा के खुश हो जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1.5 कप, और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप मैदा ले लिया। उसके बाद मैं लूँगी कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो दूसरे फ्लेवर का भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हमारा केक बन जाएगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आपको ये गुठलियाँ दिख रही है ना, ये गुठलियाँ हमें निकाल देना। अब जैसे ही हमने मैदा और कस्टर्ड को यहाँ पे अच्छे से छान लिया है, उसी तरह से हमें बाकी चीज़ें भी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अब शुगर पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप जितना शुगर पाउडर ऐड किया है। आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप भी इस बात का अच्छे से ध्यान रखें। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 का 1/2 दैट इज़ 1/4 कप मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ों का हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब आप केक बनाते हैं तो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब मैं सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक और सजेशन देना चाहूँगी कि आप यहाँ पे पाउडर शुगर के जगह पे शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप चीनी डालते हैं तो चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे अब जैसे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख लूँगी। और उसके बाद हम इसे डालने वाले हैं केक टिन में। तो यहाँ पे मेरे पास एक गोल केक टिन था, तो मैं उसे को यूज़ करूँगी। और इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना होगा। और उसके बाद आप यहाँ पे बटर पेपर या केक पेपर जो बेकिंग के लिए आता है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बेकिंग पेपर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे न्यूज़पेपर या प्रिंटेड पेपर यूज़ ना करें, क्योंकि वो भी केक में छप जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पेपर डाल दिया, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी, ताकि जब हम केक निकालें तो वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए और वो केक टिन में चिपके ना। तो अब जैसे ही पेपर में हमने ऑयलिंग कर लिया, मैं यहाँ पर बैटर डाल दूँगी। और आप चाहे तो केक टिन के जगह पे कोई भी नॉर्मल बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर कप्स यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में ये थोड़ा सा मिक्स नहीं हुआ था, तो मैं यहीं पे इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैं केक के बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और बिल्कुल बराबर कर लूँगी। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल देंगे बाद में। और आज हम केक ओवन में नहीं बना रहे, आज हम लोग केक बनाएंगे कढ़ाई पे, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में। तो मैंने कढ़ाई पे नमक डाल दी हूँ, जिसको मैंने पहले ही गरम कर लिया था। उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड रख ली हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप प्लेट रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा केक परफेक्टली 30 मिनट में बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल फ्लफी सा हो गया है। आप चाहे तो एक टूथपिक डाल के देख सकते हैं। और आपको तो यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये इतनी जल्दी कैसे बन गया। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा फ्लफी और स्पॉन्जी होता है। अगर आपको टेस्ट करना है, एक टूथपिक ले लीजिए, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, दैट मीन्स ये परफेक्टली बन चुका है। अब ये थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद ठंडा करने के बाद हम इसे पलट देंगे, धीरे धीरे टैप करेंगे। और उसके बाद हमारा केक बिल्कुल अच्छे से निकल गया, दैट मीन्स ये परफेक्टली बन चुका है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर दिख रहा है, कितने अच्छे से बेक हुआ है, बिल्कुल स्पॉन्जी और बिल्कुल सॉफ्ट बना है। आपको क्या लगता है, आप भी बना सकते हैं इसे बहुत ही ईजिली, घर पे बनाइए। ढेर सारे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है, तो मैं आपको थोड़ा सा कट करके भी दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। वैसे आप किस तरह से केक बनाते वो भी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।
तो अब बारी आती है टेस्ट करने की। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ इसे, मैंने यहाँ पे नाइफ से इसे कट किया और कितने इजीली ये कट हो गया है, दैट मीन्स ये बहुत सॉफ्ट बना है। और यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है अंदर से। 30 मिनट्स आपको इसे अच्छे से स्टीम करना होगा, आपको 30 मिनट्स गैस को लो करके इसे पकाना होगा और बिल्कुल फ्लफी बन जाएगा ये। इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बी सेफ, बाय।